हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति गुरुकुल। टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ इकोनॉमिक चैप्टर सेकंड फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, द चैप्टर नेम इज नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक, आप सभी को मैंने जैसे कि बताया था कि ये वास्ट इकोनॉमिक होता है, ठीक है। माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे होता है और मैक्रो में वास्ट लेवल पे होता है। तो देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है पढ़ने के लिए और क्या समझ सकते हैं हम, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने में इजी पड़े। तो देखते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन हैज बीन रिटन बाय एडम स्मिथ। ये तो पहली लाइन है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट हाँ, अगर ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है वो किसके द्वारा रिटन है, तो एडम स्मिथ के द्वारा रिटन है, ठीक है। ये आ सकता है वन वर्ड में, एमसीक्यूज में, ठीक है। रिसोर्सेज अलोन कैन नॉट मेक अ कंट्री रिच। जो हमारे पास रिसोर्सेस है वही केवल हमें रिच नहीं बना सकते। कैसे? क्योंकि रिसोर्सेस आर यूज्ड इन जनरेशन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउ एज अ कॉन्सिक्वेंस इनकम एंड वेल्थ आर जनरेटेड फ्रॉम दैट प्रोसेस। रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं और उसी प्रोडक्शन से जो हमें उसका जो प्रोसेस होता है उससे जो हमें इनकम और वेल्थ मिलता है वो उसी ही रिसोर्सेस का वो है, रिजल्ट मिलता है हमको, ठीक है। सच एन आइटम दैट इज मेंट फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और नॉट पास थ्रू एनी ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ फाइनल गुड। कोई भी प्रोडक्ट आइटम कुछ भी हो जो फाइनल यूज के लिए बना दिया गया है, जैसे कि ये पेन है, ये फाइनल यूज के लिए बना दिया गया है, अब इसके बाद इसको प्रोडक्शन में नहीं डाला जाएगा, इसको कोई भी और इसमें अभी कुछ नहीं किया जाएगा, इसका टैग वैग सब लगा हुआ है, इसका स्टिकर लगा हुआ है, इसका कैप वैप रिफिल विफिल सब भरी हुई है, मतलब इसको मैं यूज कर रही हूँ एज अ कंज्यूमर, मैं इसको फाइनल यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है जो दुकान में खड़ा रखा हुआ है वो होता है फाइनल गुड्स, ठीक है। उसके बाद उसका वापस प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स एट आर कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट डू नॉट वर आउट क्विकली एंड देयरफॉर हैव टू बी परचेस्ड फ्रीक्वेंटली। एग्जाम्पल इंक्लूड बाइसाइकिल एंड रेफ्रिजरेटर। ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। अब साइकिल आप एक बार ले लेंगे तो आप जल्दी जल्दी तो लेने नहीं वाले जब तक वो खराब ना हो, ठीक है। और फ्रिज होता है, आप खुद ही घर पे देखेंगे कि एक बार फ्रिज ले लेते हैं घर पे, उसके बाद वो 10-10 साल तक चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ड्यूरेबल है, मतलब उसकी लंबी उम्र है। घर वाले ऐसे चीजों को देख के भी लेते हैं कि जो अच्छी हो, मतलब टीवी भी हो गया, फर्नीचर हो गया, एक काइंड ऑफ फिक्स एसेट समझते हैं ना, कि फिक्स एसेट में क्या होता है कि हम वो ले लिए तो वो 10 सालों तक के लिए फ्री हो जाते हैं, वो वाला हाल है इसमें भी, ठीक है। गुड्स दैट आर परचेज बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। और जब यही पेन कोई होलसेलर लेगा या रिटेलर लेगा अपनी दुकान में बेचने के लिए तो वो कंज्यूमर गुड नहीं कहलाएगा, बट अगर हाँ उस दुकान से मैंने इसको ले लिया किस लिए, अपने यूज करने के लिए, तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स, मतलब मैं कस्टमर हूं तो मैं अगर खरीदने जा रही हूँ तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमिक इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर गुड्स बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स। जो भी गुड्स और सर्विस जो भी फाइनल स्टेज पे रहते हैं वो तीन चार टाइप के गुड्स होते हैं। एक तो होता है कंज्यूमर गुड, दूसरा होता है, और उसमें भी क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और नॉन ड्यूरेबल। मतलब नॉन ड्यूरेबल मतलब क्या होता है ना, मतलब अपन एक पेन आता है ना, पेन आता है जो रफ यूज के लिए होता है, जिसको यूज किया, मान लीजिए ये पेन है इसमें तो रिफिल भरेगी, ये क्या हुआ ड्यूरेबल, इसका रिफिल चेंज कर देंगे, वो जो रिफिल हुआ ना, वो जो रिफिल का गुड्स है वो नॉन ड्यूरेबल है, मतलब वो खत्म हो जाएगा, हमें दूसरा लेना पड़ेगा। ये इस टाइप के पेन आते हैं जिसमें कोई रिफिल विफिल नहीं यूज होती है, तो ये जो पेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन ड्यूरेबल, ठीक है। एज अ फाइनल गुड्स दे डू नॉट अंडरगो एनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। अभी बताया मैंने आपको,
Some goods may be used by other producer as material inputs are called intermediate goods. Intermediate goods मतलब क्या होता है, बीच का, मतलब जैसे अभी एक कार बना रहे हैं हम, ठीक है, तो कार बनाने का आप सुने होंगे कि कार जहाँ बनती है उसके सारे पार्ट्स एक जगह नहीं बनते हैं, बट हाँ कहीं उसका सीट बन रहा है, कहीं उसकी व्हील्स बन रही हैं, कहीं उसकी बॉडी बन रही है, पर जो बॉडी जिस फर्म में बन रही है ना उस फर्म के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद वो उसके वहां प्रोडक्शन में तो नहीं जा रही है, बट वो आगे जहां पे जा रही है वो वहां की प्रोडक्शन में जा रही है, तब वो फाइनल गुड्स उसके लिए जिस कंपनी में वो कार अटैच होगी उस कंपनी के लिए क्या होगी, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ और, जैसे मर्सिडीज की ही कार हो गई, वो कार मर्सिडीज खुद अपने शोरूम में बनाता है, नहीं बनाता है, पहले तो नहीं बनाता था, अब बनाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये बहुत होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है ना वो एक इंडिविजुअल ही, चाहे कोई भी हो, मारुति हो, टाटा हो, कोई भी हो, वो अपनी अकेले ही सारा चीज नहीं बनाती है। हाँ वो असेंबल सब कुछ अपने पास लाके कर सकती है सारे। आप रास्ते में चलते होंगे, आप कई जगह देखे होंगे कि ट्रक का बॉडी पार्ट जा रहा है, या एरोप्लेन का बॉडी पार्ट जा रहा है, या किसी गाड़ी का बॉडी पार्ट जा रहा है। क्यों? वो फाइनल प्रोडक्ट बन के, किसी कंपनी का फाइनल गुड्स बन के वो इंटरमीडिएट गुड्स के नाम पे आगे फर्म में जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। To have a comprehensive idea of the total flow of production in the economy, we need to have a quantitative measure of the aggregate level of final goods produced in the economy. हमें इन सबको एक आइडिया टोटल फ्लो रखने के लिए, एक लेवल जानने के लिए फाइनल गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे इकोनॉमिक में उसका जानकारी होना चाहिए बस। इनकम आउटपुट और प्रॉफिट आर कॉन्सेप्ट दैट मेक सेंस ओनली व्हेन द पीरियड इज स्पेसिफाइड। और जब किसी चीज की इनकम होगी, किसी का आउटपुट निकलेगा और किसी से प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का ही हम बता सकते हैं। मतलब ये नहीं कि जैसे एक साल का आपने बताया, एक थ्री क्वार्टरली रिपोर्ट्स आते हैं आप देखे होंगे, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का ही बताते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं ना कि आप 10 साल लिमिटेड इनफाइनाइट का तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उतना डेटा होना चाहिए आपके पास, करेक्ट डेटा होना चाहिए, और स्पेसिफिक टाइम पे ही आपके पास प्रीवियस डेटा है, तो आप उसी से कंपेयर करेंगे कि आपको प्रीवियस के कंपेयर में इस टाइम पे कितना प्रॉफिट हुआ, इस टाइम पे आपकी कितनी इनकम हुई, कितना आउटपुट आपका निकला, तो इसीलिए स्पेसिफिक टाइम पे होता है। आगे देखते हैं। इफ अ न्यू मशीन इज एडेड और अ मशीन फॉल्स इनटू डिसयूज एंड इट्स नॉट रिप्लेस, दिस आर कॉल्ड स्टॉक। कोई भी नई मशीन जब मतलब स्टॉक फार्म में रखी जाती है, या कोई मशीन का जब यूज नहीं है बट वो रखी हुई है, उसको बेचा नहीं गया है, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, तो वो क्या हो गई, इस फर्म की स्टॉक हो गई, ठीक है। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, वो मतलब डिपेंड करता है किसके टाइम के हिसाब से स्टॉक्स होते हैं। फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। दैट पार्ट ऑफ अवर फाइनल आउटपुट दैट कंप्रोमाइज कैपिटल गुड्स कंस्टिट्यूट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक। जो फाइनल गुड्स होते हैं ना उसी से हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमिक मतलब हमारी इकोनॉमिक की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता चलती है। द डिलेशन विच इज मेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू अकोमोडेट रेगुलर वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब कोई स्टॉक है, मान लीजिए जब यहाँ पे हमें बताया गया कि स्टॉक हमने रखा है, या फिर कोई फिक्स्ड एसेट है, मतलब हम यूज कर रहे हैं किसी चीज का, और उसकी जो वो है मतलब क्वालिटी है, या फिर उसकी जो क्षमता है, जो उसके कैपेसिटी है, वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। अभी हम कार ही खरीदते हैं, तो मान लीजिए आपने इस साल कार ली, वो इस साल बहुत स्मूथ रहेगी, अगले साल भी स्मूथ रहेगी, बट कंपेयर टू इस साल वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? और 10 साल बाद वो और कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रेगुलर वेयर में यूज करते हैं, तो उसकी धीरे धीरे, अभी ये पेन ही है, इसका डेप्रिसिएशन कैसे होगा? अगर मैं इस पेन का यूज कर रही हूँ तो इसकी जो इंक है वो धीरे धीरे तो कम होगी ना, मतलब क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एज एन एनुअल अलाउंसेस फॉर द वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स, और ये ईयरली एनुअली होता है। द इनकम दैट पीपल अर्न एज ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन आर यूज बाय देम टू मीट देयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो इनकम पीपल जो यहाँ के ओनर जो होते हैं, जो फर्म के ओनर होते हैं, वो अर्न करते हैं, वो यूज करते हैं किसके लिए, जो हमारी जो कंज्यूमर डिमांड होती है और सर्विसेज होती है उसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमिक जनरेट फैक्टर पेमेंट फॉर दोस इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्शन एंड जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज इन द आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में गुड्स एंड गुड्स का यूज होता है, रिसोर्सेज का यूज होता है और उससे जो फाइनल आउटकम आता है उसको, उस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी हम देखते हैं कि इनकम कैसे फ्लो होता है, उसका कैसे मतलब, जैसे बोलते हैं ना समय घूमता है, टाइम सर्कल के फे में, और वॉच भी देखिएगा कि 12 से फिर 12 वो आता ही है, तो वैसे ही इनकम का भी जो फ्लो है ना वो घूमता है, आता है, जाता है, वही वाला है। आगे देखते हैं कैसे है। There may fundamentally be four kinds of contribution that can be during the production of goods and services. चार टाइप के contribution होते हैं production production में। ठीक है, the aggregate consumption by the household of the economic is equal to the aggregate expenditure on goods and services produced by the firm in the economic। मतलब क्या कह रहे हैं, जो households हैं, जो मतलब घर है, उनके जो expenses होते हैं ना, consumption, उनकी जो consumption होती है वो इसके बराबर होती है, जो expenditure हुआ ना इसके production करने के लिए company का, उसके बराबर होती है। इसको हम chart, मतलब ये diagram जो है ना, इसके through समझते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये रन कर रहा है, बताया ना ये गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम बराबर में चलता है। कैसे चलता है, ये फर्म है, ठीक है, अब ये प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ से करेगा, मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, अभी इसकी जो प्रोडक्शन से जो आउटपुट होता है उसका जो इनकम होता है वो किसको जाएगा, हाउस होल्ड को, जो उसके यहाँ काम कर रहा है उसको जाएगा इनकम। ठीक है, अब उसके बाद वो उस इनकम से अपने डेली एक्सपेंसेस करेगा, अपने खर्च करेगा, सामान खरीदेगा, तो क्या होगा, उसकी एक्सपेंडिचर होगी, पर वो खरीदेगा कहाँ से, इनडायरेक्टली वो फर्म से ही खरीद रहा है ना, क्योंकि वो फर्म के प्रोडक्ट होते हैं। तो क्या हुआ, ये सर्कल घूमा, उसके बाद क्या हुआ, हाउस होल्ड है वो फर्म में काम कर रहा है, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेस के लिए, तो क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेस क्या हुई, वो हाउस होल्ड के लिए आई, तो मतलब ये सर्कल घूमते घूमते जाता है। ठीक है, when the income is being spent on goods and services produced by the firm, it takes the firm aggregate expenditure received by the firm. ठीक है, जो हमारा income होता है, जब हम income को हमें firm देती है और उसपे जब हम expenditure करते हैं, तो वो क्या होता है, क्या हुआ, ये यहाँ से गया और फिर यहाँ से आ गया, तो ये सर्कुलर फ्लो हो गया। ठीक है, when the aggregate revenue received by the firm is paid out to the factor of production, it takes the form of aggregate income. अब जब ये expenditure जब ये household वाले करते हैं तो ये क्या होता है, company को profit होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे उसको profit होगा तो वो profit को क्या करेगा, वो फिर से production के लिए use करेगा, किसके, goods and services के। तो ये यही बता रहा है कि फिर goods and services के production के लिए वो use करता है। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, मतलब जमीन चाहिए, लेबर चाहिए काम करने के लिए, और कैपिटल चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और कंपनी चाहिए किसी नाम को बताने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल। और यही जो मॉडल है, इसमें क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक में मैंने आपको लास्ट फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि माइक्रो इकोनॉमिक ना ये सबके लिए सोचता है, मतलब फर्म के लिए भी सोचता है, इंडिविजुअल के लिए भी सोचता है, गवर्नमेंट के लिए भी सोचता है, सबके लिए सोचता है। ठीक है, और इसकी जो प्रोडक्शन होती है ना वो कंज्यूमर डिमांड पे होती है, पर माइक्रो इकोनॉमी की नहीं होती है, वो क्या होती है, इंडिविजुअल होती है। तो ये क्या कह रहा है कि इसी को माइक्रो इकोनॉमिक का मॉडल कह रहा है। ठीक है,
Real flow refers to the flow of factors and services from household to firms and the corresponding flow of goods and services from firms to household. वही जो मैंने आपको बताया कि वो एक घूमते रहेगा. Money flow refers to the flow of factor of payment from firms to household for their factor and services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm. और मनी फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, प्रोडक्ट का होता है. और मनी फ्लो में क्या होता है, पैसे का होता है. जब सैलरी दी जाती है फिर सैलरी इंडिविजुअल खर्च करता है तो वो फर्म के पास इनकम के थ्रू जाती है, प्रॉफिट के थ्रू. तो ये मनी फ्लो हुआ और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज हुआ. ठीक है, आगे देखते हैं क्या है. द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड. इन द प्रोडक्शन मेथड वी कैलकुलेट द एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इफ अ ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, एक साल के में, एक साल में हम वैल्यू एडेड जो भी होता है ना, एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन का. अब हमें किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की एनुअल वैल्यू तो जाननी पड़ेगी ना, कि हमारे को उसका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस कंपनी को. द टर्म दैट इज यूज टू डोनेट द नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय फर्म इज कॉल्ड वैल्यू एडेड. और जो टर्म इस कंट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है उसे कहा जाता है वैल्यू एडेड. Raw materials that a firm buys from another firm that is completely used up in the process of production are called intermediate goods. जैसे कार का मैंने parts बताया, उसकी बात कर रहे हैं. आगे देखते हैं. अभी the value added of a firm is distributed among its four factor of production, namely labor, capital, enterprise and land. जो value added जो भी होता है ना, जो भी company का value addition होता है, वो चार चीजों में divide किया गया है, land, labor, capital और entrepreneurship. Therefore, wages, interest, profit and rents paid out by the firm must added up to the value added to the firm of the firm. तो जो जो इसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है, उसके प्रॉफिट्स है, रेंट्स पे कर रहा है, वो किस में ऐड होंगे, वैल्यू एडेड में. ठीक है, और वैल्यू एडेड में क्या क्या आता है, वो चार चीज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज. ठीक है, वैल्यू एडेड इज अ फ्लो वेरिएबल और जो वैल्यू एडेड होता है वो कंटिन्यू चलने वाला होता है. ठीक है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज द सेम एज द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल. रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट सेम टाइप का हो गया. इफ वी इंक्लूड डेप्रिसिएशन एडेड देन द मेजर ऑफ वैल्यू एडेड दैट वी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड. और अगर हम डेप्रिसिएशन वैल्यू एडेड पे लगा देते हैं, एड कर देते हैं, तो जो हमें मिलता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड. ये सब आपको एक एक नंबर में पूछ सकता है बच्चों. इफ वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड वी ऑब्टेन नेट वैल्यू. और अगर हम जो प्रोडक्ट है उसका डेप्रिसिएशन घटा देंगे, मतलब उसकी जो भी जो कमी हो, जो गिर रहा है, जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होता है ना, डेप्रिसिएशन मतलब घटना, उसको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, नेट वैल्यू. ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू. नेट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट वैल्यू. आगे इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक्स ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल विच अ फर्म कैरीज फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल. और जब किसी कंपनी में स्टॉक जो अनयूज्ड रखा होता है, जो एज अ मतलब फ्यूचर के लिए रखा होता है, वो जब कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल के लिए, इस साल यूज नहीं हुआ और जब हम नया साल स्टार्ट करते हैं उस साल के लिए वो यूज फॉरवर्ड हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेंट्री. और इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल, वो स्टॉक का वेरिएबल होता है. ठीक है, इन एडिशन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. और जो स्टॉक कैपिटल के लिए, स्टॉक जो स्टॉक के लिए कैपिटल यूज किया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. अब एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं. चलिए, द एक्सपेंडिचर मेथड इज द मोस्ट कॉमन वे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. द नेशनल इनकम के लिए ही एक्सपेंडिचर मेथड का यूज होता है. द एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड फॉर्मूला फॉर नेशनल इनकम इज कॉस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जी मेथड फॉर्मूला एक्स माइनस एम. वेयर कंज्यूमर स्पेंडिंग इज डोनेटेड बाय सी, इन्वेस्टमेंट इज डोनेटेड बाय आई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज डोनेटेड बाय जी, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड आई एंड इम्पोर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम. ठीक है,
दिस मैथड मेजर मेजर्स नेशनल इनकम एज द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड बिजनेस फर्म्स द गवर्नमेंट एंड फॉरेन. इसके थ्रू हम लोग ना हमारे कंट्री की नेशनल इनकम जानते हैं, ठीक है. और इसमें सभी कुछ होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो गया, बिजनेस फर्म का एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया, फॉरेन का हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है. प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सब कुछ कोई एड माइनस करके हम हमारे नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है. द टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसी को हम जीडीपी कहते हैं. जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर होता है ना, इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए और ऑल द बेस्ट.